चलो तो स्टार्ट करते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो हमारे पास वोल्टेज मेजर करने के लिए ना दो डिवाइसेज हैं, कौन कौन? एक तो हो गया हमारे पास वोल्ट मीटर और दूसरा हमारे पास हो गया पोटेंशियोमीटर। ओके, एक है हमारे पास वोल्ट मीटर और दूसरा हमारे पास क्या है? पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर हम कैसे यूज करते हैं? तो ये बात आपको पता है कि हम उसको क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, यहां पे वोल्टेज, यहां पे वोल्ट मीटर और यहां पे हमने लगा दिया और ये पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए और बी। ठीक है, करंट यहां से कितना आ रहा था तो मैंने ले लिया कि लाइक करंट है 2 एम्पियर और ये कितना है तो हमने ले लिया कि ये है लाइक 100 ओम यहां पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, या इसको और ज्यादा ले लेते हैं, ऐसे 4 ले लेते हैं, ठीक है 4 एम्पियर। मुझे बताओ कि हम क्या सोच रहे थे, यहां पे वोल्टेज कितना होना चाहिए था, करंट इंटू क्या, रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, I इंटू R, और ये R कितना है 100 है और करंट कितना था 4, आंसर हमारा आना चाहिए था कितना 400 वोल्ट, ये हमारा एक्सपेक्टेड था। ओके, हम सोच रहे थे कि हमारी वोल्ट मीटर हमारी रीडिंग कितनी देगी 400 वोल्ट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने क्या देखा कि क्यों ऐसा नहीं हुआ, पहले वो समझते हैं कि देखो यहां से कुछ करंट तो गया होगा इधर भी और इसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का। मान लो इसका रेजिस्टेंस हमने ले लिया कि 1000 ओम है। ओके, 1000 ओम है बेटा, तो ये क्या करंट कैसे डिवाइड होगा, ऐसे जाके डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा 1000 ओम भी छोड़ दो, हम कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, हम लोग जस्ट एक लॉजिक लगा लेते हैं कि 1 एम्पियर करंट इधर से जा रहा है। ठीक, 1 एम्पियर करंट इधर से जा रहा है तो इधर से कितना जाएगा बचा हुआ 3 एम्पियर। अब बताओ कि इसका वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा, वोल्टेज कौन सा रीडिंग वाला, कितना आ जाएगा 3 × 100, आंसर इज हाउ मच 300 वोल्ट। हम उम्मीद क्या कर रहे थे 400 वोल्ट होगा, आया क्या 300। अब इस चीज को मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है कि हम यहां से कम करंट भेजें। ओके, कम से कम करंट कहां से जाता है, जहां से ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, आपने देखा ये चीज। तो हमने यहां का रेजिस्टेंस क्या कर दिया, यहां का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा किया हमने, यहां का रेजिस्टेंस कर दिया होगा इतना ज्यादा कि यहां से बहुत कम करंट जाए, कितना करंट जाए। तो हमने बोला कि देखो वोल्ट मीटर से करंट हम लेके जाना चाहते हैं 0.01 लेके जाना चाहते हैं और हम कितना करंट इधर से पास करना चाहते हैं, 4 था तो 0.01 गया तो क्या हो गया 3.9 और 9 जाएगा। अब देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। अब जब हमने देखा यहां पे ये 100 था, कितना आ गया 399, हम उम्मीद क्या कर रहे थे 400 का उम्मीद लेके बैठे थे, आ कितना रहा है। और ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा कि करंट इधर से ज्यादा जाए यहां का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, कैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, यहां पे सीरीज में बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, और बहुत सारा रेजिस्टेंस आएगा तो क्या होता है, करंट हमेशा प्रीफर कहां से करता है, जहां से उसका रास्ता अच्छा हो, मतलब कम रेजिस्टेंस हो, और यहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो यहां से बहुत कम करंट गया और यही हमारे लिए फेवरेबल था। तो हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन था, हमने यहां पे किया, लेकिन फिर भी हम जितना सोच रहे थे वो नहीं मिला। क्या ये एक्यूरेट वैल्यू है? नहीं, एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं है। फिर हम इसको यूज क्यों करते हैं जब एक्यूरेट नहीं है, तो क्योंकि ये पोर्टेबल है, आराम से हम इसको क्या कर सकते, उठा के लेके जा सकते हैं, पॉकेट में रख के लेके जा सकते हैं, और क्या आसानी से ये यूज कर किया जा सकता है। कैसे यूज किया जा सकता है, 2 टर्मिनल जस्ट यहां पे कनेक्ट करेंगे, हमको रीडिंग बताने लग जाएगा, इंडिकेशन बताने लग जाएगा, कोई मेहनत वाला काम नहीं है। तो हम यहां पे ना एक छोटी सी बात लिख देते हैं कि वोल्ट मीटर को यूज करने का फायदा क्या है, पोर्टेबल है, इजी टू यूज है। ठीक है, क्या ये वैल्यू, क्या ये हमें एक्यूरेट वैल्यू देता है, जवाब है नहीं, एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। एक्यूरेट वैल्यू क्यों नहीं देता है, थोड़ा सा उस बारे में भी बात करते हैं कि हम जिस चीज को इसको मेजर करने के लिए दिए थे वही हमने यहां पे क्या दिया था मेजर करने, वोल्टेज, और ये क्या खुद क्या कर रहा है, थोड़ा सा वोल्टेज यूज कर रहा है। जो चीज हमने इसको मेजर करने दिया था वो क्या कर रहा है, थोड़ा देखो अब हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियोमीटर। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि डिवाइस है जो मेजर क्या कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, प्रिंसिपल कौन सा है इसका, प्रिंसिपल कि
इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है कि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। अब अगर मैंने बोला कि देखो यहां पे मैंने एक बैटरी लिया है और ये पूरा क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस है, वायर है, वायर में क्या होगा रेजिस्टेंस होता है, ओके। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां का वोल्टेज V है बेटा, तो यहां पे क्या हो रहा होगा, यहां से लेके यहां तक वोल्टेज क्या होगा, V होगा, होगा V। अगर यहां से यहां तक वोल्टेज V है तो मुझे बताओ कि ऐसे हो रहा होगा कि यहां पे जीरो होगा, यहां पे जाके क्या होगा, V होगा, ऐसे ही होता है। वापस अगर ये बात नहीं समझ में आती है, देखो हमने यहां हमने ऐसे वाले एग्जांपल बहुत सारे किए हुए हैं कि लाइक यहां का वोल्टेज है 2 और यहां का वोल्टेज है 10 2 और हमने यहां पे ले लिया था बैटरी, बैटरी मान लो होगा 4 वोल्ट का, तो करंट कितना जाएगा यहां से 1, याद आया कुछ, 1 है, तो यहां का वोल्टेज यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना 1 × 2 2, यहां पे भी कितना 2, मतलब वोल्टेज बट क्या होता है हमारे पास, हाँ, 2 और 2 मिला के क्या हुए थे 4 हुए थे। यहां पे अगर V है तो हर छोटे छोटे पार्ट पे क्या होंगे, छोटे छोटे बात होंगी, यहां से यहां तक मान लो V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 एंड सो ऑन, और सब मिला के क्या होंगे वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं कि मैंने इसको डिवाइड कर दिया लेंथ वाइज, 10 ओम रेजिस्टेंस और 10 यूनिट होते यहां पे लाइन, तो हर यूनिट का वोल्टेज कितना होता, 1 वोल्ट होता। तो मैंने क्या किया, पूरा वोल्टेज को डिवाइड कर दिया लेंथ से, तो क्या मिल गया मुझे, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, और वोल्टेज पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, रो से, ओके। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में भी आप अलग से लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको समझा दिया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ओके। चलो अब यहां पे आओ वापस कि डिस्क्रिप्शन में कि क्या हमने लिया है, हमने एक यहां पे लॉन्ग वायर लिया है। अब इतना बड़ा वायर हमने लिया है तो इतना बड़ा डिवाइस बनाना आसान नहीं होता है कि खूब बड़ा सा डिवाइस हो हमारे पास। हमने क्या कर दिया, उसी एक वायर को ना, ये वायर था देखो, यहां से लेके यहां तक वायर था, मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे घुमा के यहां पे रख दिया, ये एक ही वायर है, ध्यान से देखो, दिख रहा है, ये क्या है, ये कनेक्शन के लिए यहां पे मैंने क्या लगा दिया, स्ट्रिप लगा दिया, ठीक है, यहां पे नट बोल्ट्स होंगे टाइट करने के लिए इसको, और ये जो पूरा यहां पे फ्रेम बनाया है मैंने, ये वुडन फ्रेम है, ओके। एक एक मीटर का, एक मीटर की लंबाई है इसमें, एक मीटर की लंबाई मैंने इसलिए रखा है ताकि हम इसको आसानी से क्या कर पाए, देख के समझ पाए कितना लेंथ था, और नीचे में हमने यहां पे एक स्केल लगा लिया होगा, हाँ, 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहां पे 100 तक होंगे, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसे मैंने देखा कि भाई अगर पहला लाइन में हो तो पहला वाला गिनेंगे, अगर दूसरे लाइन में हो तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 200 से स्टार्ट करेंगे, तीसरे लाइन में है तो 300 से स्टार्ट करेंगे, और जैसे हमने एक लंबा सा वायर को पूरा 0 से लेके V समझा था, अब यहां पे क्या हो गया, थ्रू आउट द वोल्टेज यहां पे डिवाइडेड है, तो पर यूनिट लेंथ कितना होगा, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, V by L, मतलब ये पूरा जो लेंथ था अपना वो क्या था, लेंथ ऑफ वायर L है, आ गई बात समझ में, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने यहां पे एक, मुझे बताओ कि अगर मैंने यहां पे जो यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसके साथ एक बैटरी लगी हुई है, और इसके साथ हमने यहां पे एक जॉकी रखा है, जॉकी से क्या करेंगे, हम स्लाइड करा के नल पॉइंट ढूंढेंगे, क्या ये चक्कर वही नहीं है जो हमने अभी लास्ट टाइम समझा था, ये वाला, एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है, दोनों का कनेक्शन कैसा होना चाहिए, दोनों का जो ये वाला पॉजिटिव कैसे होना चाहिए, एक तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो यही चीज है, यहां पे जो वायर था ये वायर की लंबाई इस तरीके की है। अब हम क्या करेंगे, ये घुमा के यहां पे रख देंगे, अब हम बोलेंगे कि देखो इस वायर, ये जो करें हमने यहां पे जो लिया था बैटरी, इस बैटरी के कारण इस वायर में क्या होगा, वोल्टेज होगा, होगा वोल्टेज, कितना वोल्टेज होगा डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी होगी, है ना, और ये वोल्टेज किससे बैलेंस किया जाएगा, ये वाला से, और ये क्या है, अननोन है, ये नहीं पता हमको कितना वोल्टेज था, तो ये किससे बैलेंस करेंगे, इससे, अच्छा इस वायर जहां पे ये बैलेंस हो रहा होगा बेटा उसका वोल्टेज कितना होगा, समझते हैं इस बात को, मान लो वोल्टेज है वी,
हम बोल रहे हैं वी वोल्टेज होगा, वी मतलब कितना, तो वी मतलब है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। भाई हर यूनिट का वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि देखो 10 मीटर वायर है, उसका वोल्टेज है 10, तो 2 का कितना होगा, 2 मीटर का कितना होगा, 2 होगा। कैसे किया, तो हमने बोला कि पहले 1 का निकाल लिया, 1 का कैसे निकाला, 10/10 1 आया था, और फिर 2 का निकाला, इंटू 2 कर दिया, यही किया। ये जो आप 1 का निकाले पहले, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू क्या, लेंथ। इससे क्या मिला मुझे, वोल्टेज, मतलब इस वायर में कितना वोल्टेज है ये मुझे पता है। और यही वोल्टेज किसके थ्रू बैलेंस हो रहा है बेटा, इसके थ्रू। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो V है आया अपना, ये V इज इक्वल टू E होता है, कौन सा E, ये वाला E, और ये V मतलब कितना, रो L इज इक्वल टू E। अगर मुझे कोई पोटेंशियल ग्रेडियंट बता दे, ठीक है, लेंथ तो हमने खुद ही ढूंढ लिया है बैलेंस करने के लिए। यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे घुमा के मैं क्या चेक कर रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या हो जाए, जीरो। जैसे ही रीडिंग जीरो आया, मान लो L1 पे आया होगा जीरो, जो हमने यहां पे लिखा है, L पे जीरो आया होगा, तो हमने क्या नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो मुझे दिया हुआ था इस डिवाइस का, लेंथ मुझे पता चल गया, क्या मुझे EMF मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो एक और अच्छी बात क्या आ गई कि पोटेंशियोमीटर जो है वो क्या करता है, हम लोग को वोल्टेज ही नहीं EMF भी बताता है, और वोल्टमीटर EMF कभी नहीं बताता, ठीक है, वो क्या बताता है, टर्मिनल वोल्टेज बताता है, ये क्या बता सकता है, EMF बता सकता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने यहां से E की वैल्यू निकाल लिया, जो क्या होता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ। ओके, तो यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब एक छोटी सी और बात समझिए, अगर मैंने यहां पे वोल्टेज वर्सेज लेंथ का ग्राफ बनाया है, ओके, तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ऐसा कि पहले वोल्टेज पूरा और लास्ट में क्या, जीरो। ओके, तो इसका ग्राफ है, तो इसका स्लोप कितना होगा, आपको पता है स्लोप कैसे मिलता है, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। और ये जो टैन थीटा है, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप का दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट, है ना। ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन एल, और ये कौन सा ग्रेडियंट है, तो ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो इसीलिए इसका नाम ग्रेडियंट बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्लोप से हम लोग को मिला हुआ है। ओके, तो इस बात को भी आप कहीं पे कॉपी कर लीजिए, यहां लिख देता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो अब एक टर्म आता है कि सेंसिटिविटी क्या चीज होती है। अब हर डिवाइस का ना एक सेंसिटिविटी होता है, कितना सेंस कर सकता है। सेंसिटिविटी क्या होता है कि जितना, मतलब इट इज द लीस्ट मेजरमेंट दैट कैन गिव अ पोटेंशियोमीटर। कैसे लीस्ट देगा हम लोग को, तो जवाब है कि मान लो हमने बहुत बड़ा वायर ले लिया, तो क्या करेंगे, बहुत बड़ा सा वायर ले लिया, 5 मीटर का वायर ले लिया, ओके, तो ये लीस्ट कितना दे सकता है काउंट, जवाब है कि वोल्टेज डिवाइडेड बाई लेंथ कर लेंगे। अगर ये छोटा होता लेंथ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने एक बार ले लिया 5 मीटर, तो कितना आ जाएगा वोल्टेज, मान लो वी अपॉन 5, आंसर इज हाउ मच, तो आंसर हो जाएगा 0.2 V। और मान लो V की वैल्यू भी ले लेते हैं, 10 ले लिया हमने, तो कितना आया वोल्टेज, 2। मतलब अगर हमने लेंथ 5 लिया तो वोल्टेज कितना है, 2। मतलब ये लीस्ट काउंट है, हर बार जब एक यूनिट देखेंगे तो कितना काउंट दिखाएगा हमको, 2 दिखाएगा। मान लो यहां पे हमने इसी चीज के लिए 10 मीटर का वायर ले लिया, दिखाएगा, अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, अगर हमने लेंथ लिया है 10 मीटर तो 1 वोल्ट, अगर हमने लेंथ लिया है 5 मीटर तो इसकी सेंसिटिविटी कितनी होगी। और देखो आप ध्यान से, कुछ आपने कुछ और नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट ही फाइंड किया है दोनों टाइम पे, सो हम क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है। और यहां पे जो मार्किंग की होती है ना, वो मिलीमीटर में होती है, लेंथ की मार्किंग किस में होती है, मिलीमीटर में होती है, ओके, तो कहीं पे लिख दीजिएगा कि लेंथ शुड बी इन mm। ये इसका मतलब क्या है कि मिलीमीटर में होना, मिलीमीटर में का मतलब होना कि यहां पे मिलीमीटर में दिखाए जाते हैं लेंथ को, ठीक है, मतलब इतने छोटे छोटे वैल्यू को भी हम यहां पे क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ना कि यहां पे सीधा किसमें दिखाया जाएगा, सेंटीमीटर में, ऐसे 100 नहीं, कितने बनेंगे, तो यहां पे भी मिलीमीटर्स में ये डिवाइडेड होगा।
ओके, ताकि लीस्ट काउंट क्या हो जाए, उसकी बढ़ जाए। अब लीस्ट काउंट बढ़ाने का फायदा क्या है, तो हम बहुत छोटी वैल्यू को भी गिन सकते हैं। ओके, तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है। चलो और हम लोग देखते हैं यहां पे एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में पहला चीज क्या है कि टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। दो सेल हमारे पास होंगे और दोनों का हम लोग क्या करना चाहते हैं, ईएमएफ को कंपेयर करना चाहते हैं। हमारे पास दो मेथड है, पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, पहले हम लोग वो देख रहे हैं। देखो याद करो, ये वाला जो पार्ट है अपना पोटेंशियोमीटर, ऐसा हमने बनाया था, याद आ रहा है कुछ? यहां पे हमने ऐसे पोटेंशियोमीटर बनाया था, यहां से एक वायर ऐसे लाया और इसको घुमा के हम लोग ऐसे लेके जाते थे। हाँ, और यहां पे हमारे पास क्या होता था, हमारे पास यहां पे एक, हाँ यहां पे हमारे पास इस तरीके का एक अरेंजमेंट था, स्ट्रिप लगी हुई थी, यहां से हम ईएमएफ लेके जाते थे, ऐसा है। अब ये बार बार हम इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाना चाहते हैं, ये वाला पार्ट। हम इस वायर को जो ऐसा फोल्ड करके लाया है ना, हम इसको एक सीधा वायर दिखा देंगे, कॉन्सेप्ट तो सेम है। तो मैं यहां पे मिटा देता हूं इसको, और मैंने आपको एक सीधा वायर दिखा दिया ताकि हम लोग को सर्किट और आसान दिखे। ओके, ये जो ऐसे यहां पे घूम के आया था ये वायर, ये अब क्या है, सीधा है हमारे पास। अच्छा, यहां से क्या किया मैंने, यहां से हमने एक, हमने यहां पे बैटरी लगा दी, यहां से गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, और हम क्या करेंगे, हम यहां पे नल पॉइंट ढूंढ लेंगे, और हम यहां पे भी एक रखे हैं, ठीक है, यहां भी रखा है हमने, और यहां पे लाइक मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं डायग्राम में। ओके, और यहां पे हमारे पास स्विच लगा हुआ है। अगर मैं इस तरफ प्रेस करूंगा ये वाला पॉइंट, तो क्या होगा, ये कनेक्टेड रहेगा, मतलब E2 कनेक्ट हो जाएगा, और अगर मैं ऊपर वाला स्विच यहां पे किया तो ये E1 कनेक्ट हो जाएगा। बस कनेक्शन का तरीका और कुछ नहीं। आप चाहो तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल भी रख सकते थे कि पहले मैंने E1 लगाया फिर मैंने E2 लगाया। जब मैंने E1 लगाया तो ये E2 क्या था, बंद था उस समय। हाँ, E1 जब हमने लगाया तो हमने यहां पे नल पॉइंट भी ढूंढा। नल पॉइंट याद है ना, कैसे ढूंढते थे हम लोग, हम लोग यहां पे जॉकी को स्लाइड करके नल पॉइंट ढूंढते थे, और हमने देखा कि ईवन इज इक्वल टू आया, ईवन जब हमने प्रेस किया तो हम लोग को क्या मिला, एल मिला था। तो आपको पता है ना कि ई इज इक्वल टू हमने लास्ट टाइम लिखा था कि दिस इज एल वन। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब आपने ई टू सेलेक्ट किया, मतलब ये वाला, जब के वन और के टू लिख देता हूं यहां पे, लाइक कि के टू जब आपने प्रेस किया, यहां पे आपने के वन प्रेस किया हुआ था, जब आपने के टू प्रेस किया तो क्या आया, E2 इज इक्वल टू, और E2 आपको नोन था, E2 की वैल्यू आपको पता था, E1 आपको नहीं पता था, ठीक है। तो हम लोग यहां से E1 फिर से निकाल लेंगे कंपेयर करके। तो E2 के लिए आपने क्या देखा कि आपको जॉकी फिर से स्लाइड करना पड़ा, और इस बार आपने L2 पे सिलेक्ट किया। ओके, आपने फिर क्या किया, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन रो L2। रो रो तो कैंसिल हो जाएंगे, आपको E1, आपको क्या पता था, E1 पता था, दिस इज नोन। मैं यहां पे लिख देता हूं कि, एंड ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास, मान लो ये है अननोन। क्या आप यहां से अननोन वाली वैल्यू निकाल सकते हो कंपेयर करके, आपको L1 और L2 तो पता ही है, तो हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। लाइक हमने यहां पे ले लिया कि E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 और L1 अपॉन L2। ये क्या है अपना, ये है डायरेक्ट मेथड। कोई हमने इधर उधर की बातें नहीं किया, मैंने आपको दो यहां पे सेल दिखाया, दोनों में हमने क्या किया, कंपैरिजन किया। पहले वाला काम को नहीं पता था, सेकंड वाले काम को ईएमएफ पता था। तो देख रहे हो, ये वोल्टेज ही नहीं मेजर कर रहा है, ये क्या मेजर कर दे रहा है हमको, ईएमएफ भी मेजर कर रहा है। ईएमएफ कभी भी वोल्ट मीटर मेजर नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि वोल्ट मीटर का तरीका ही क्या है, कनेक्शन का पैरेलल में लगाना, एक दो टर्मिनल के बीच में, है ना। चलो, तो यहां तक कॉपी कर लो, ये फर्स्ट वे हो गया डायरेक्ट मेथड। अब आपको बताता हूं मैं कि दूसरा तरीका। चलो आओ देखते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट इसका, वही कंपैरिजन ही चल रहा है, लेकिन अभी मेथड कैसा है, सम एंड डिफरेंस वाला मेथड, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका समझाता हूं। ये वाला हम लोग का क्या पार्ट है, ये वाला पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट है, हमने वही काम किया यहां पे। अब थोड़ा सा हमने ना अरेंजमेंट चेंज किया यहां पे। कैसे अरेंजमेंट किया हमने, स्टार जैसा यहां पे एक बॉक्स टाइप का बना लिया। यहां पे समझो ए बी सी डी नाम के क्या लगे हुए हैं, स्विचेज लगे हुए हैं, ठीक है। और हमने यहां पे बैटरी लगा दिया E1 और E2 को, जिसको हमको कंपेयर करना था। मैंने कहां कहां लगाया, E1 यहां पे और E2 यहां पे। ओके, अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि ये दोनों कैसे ऐड होंगे, दोनों सेल
ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे? ये E1 है और ये E2 है, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, ऐड होंगे। और अगर ये उल्टा आ जाए तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1, जो भी होना होगा होगा। चलो आओ देखते हैं यहां पे। जब मैंने A और C को क्या किया, कनेक्ट किया, व्हेन A एंड C आर एक्टिवेटेड, और A और C एक्टिवेट किया एंड B और D क्या किया, डीएक्टिवेट किया, डीएक्टिवेट किया, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? देखो करंट कैसे जाएगा उसका पाथ समझना, ठीक है, कि करंट ऐसे गया, ठीक है, जा रहा है और कहां जाएगा देखो, या मैं ऐसे ले लेता हूं कि ये वाला ऐसे, सर्किट कंप्लीट है। कैसे कैसे गया देखना, छोटी लाइन किसको टच कर रही है, बड़ी लाइन को, छोटी लाइन बड़ी लाइन को टच करे, क्या होगा, दोनों ऐड होंगे। तो फर्स्ट केस में जब मैंने ए और सी को एक्टिवेट किया तो हमारे पास आ रहा है ई वन प्लस ई टू, ठीक है, इज इक्वल टू, ये टोटल टोटल हमारा क्या आ गया, ई एम एफ इज इक्वल टू रो एल वन। जब मैंने जॉकी स्लाइड किया तो क्या किया, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग को जीरो बताना था, तो हमने क्या किया, जॉकी को स्लाइड किया और एल वन नाम का लेंथ ढूंढ लिया, एल वन पॉइंट ढूंढ लिया हमने। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अगर When B and D are activated, और कौन, A and C are deactivated, इसको याद रखना मुश्किल नहीं है, जस्ट उसके क्या करना है, बाजू वाला को क्या करना है, एडजेसेंट वाले को, मतलब अल्टरनेट पोजिशन पे एक्टिवेट डीएक्टिवेशन वाला बात बतानी है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि E1 minus E2 इज प्रोपोर्शनल टू, इस बार आपको लेंथ कुछ और मिला जो कि कितना था, रो एल टू था, ओके। अब हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि ई वन प्लस ई टू डिवाइडेड बाई ई वन माइनस ई टू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, रो एल वन अपॉन रो एल टू, रो रो कैंसिल, क्या आ गया, ई वन प्लस ई टू अपॉन ई वन माइनस ई टू इज इक्वल टू क्या आ गया, एल वन अपॉन एल टू, बोलो आएगा ऐसा। अच्छा अगर यहां तक आपको समझ में आ गई है बात, तो क्या हम यहां पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं, बाई सी एंड डी, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। जिन्होंने ये कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं आपको बता दूं कि बड़ा आसान सा चीज होता है ये। ऊपर में क्या करना होता है, दोनों को ऐड करना होता है और नीचे में दोनों को माइनस करना होता है, ठीक है। तो चलो ऐड करके देखते हैं, ई टू और ई टू कट जाएगा, क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ई वन, और नीचे क्या आएगा, माइनस करके देखो, ये माइनस ये, इवन इवन कटेगा और ट्वाइस ऑफ क्या आएगा, ई टू। यहां पे भी सेम काम, एल वन प्लस एल टू और नीचे एल वन माइनस एल टू। क्या आपको लग रहा है कि इवन यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर आपको इवन नहीं पता होता तो इवन इज इक्वल टू क्या हो जाता, ई टू इंटू एल वन प्लस एल टू अपॉन एल वन माइनस एल टू। बताओ यहां से अननोन का ईएमएफ आप कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, दो मेथड हो गए, ओके। तो दो फ्रेम में मैंने आपको बताया, फर्स्ट फ्रेम एंड देन सेकेंड फ्रेम, कॉपी कर लीजिए इसको। जो हम लोग का यहां पे एप्लीकेशन आता है ना, वो आता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो हमने यहां पे क्या किया, ये तो पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट है, हमने दो तीन बार बनाया तो आपको याद आ गया होगा। और यहां पे क्या किया है मैंने, यहां पे मैंने ईएमएफ लिया है इसका ई, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, और ये है रेजिस्टेंस बॉक्स जहां से हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब आर है यहां पे रेजिस्टेंस, ये क्या है, रेजिस्टेंस आर। यहां पे हमने की लगाया है जिसका नाम है कि के टू, के वन हमेशा क्लोज रहेगा इसलिए मैं के वन की बात नहीं करूंगा, ओके। तो पहले अगर मैंने के टू को ओपन रखा है, मतलब यहां से कोई करंट क्या होगा, नहीं पास होगा ये पार्ट से, ये पार्ट से अगर बेटा कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो क्या ये पुरानी कहानी नहीं दोहराएगा कि E इज इक्वल टू रो L1 आएगा, ठीक है यहां तक। फिर सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, व्हेन K2 इज क्लोज, अब अगर K2 क्लोज हो जाएगा तो मुझे बताओ कि करंट यहां से भी जाएगा और करंट इधर से भी जाएगा, ठीक है। तो करंट अगर इधर से भी जाएगा तो इस बार जो E जो E के लिए जो आएगा, मतलब इस बार जो ईएमएफ के लिए जो रीडिंग आएगी वो कितनी होगी, वो होगी
रो एल टू आएगा, इसी का यही ईएमएफ का रीडिंग इस बार ई टू बोल रहा हूं मैं। क्यों बोल रहा हूं ई टू? क्योंकि ई वन जो था पहले वो तो केवल यहीं से गुजर रहा था, अब कहां से गुजर रहा है? करंट यहां से भी पास हो रहा है। तो ये ई वन है कि वी है, वोल्टेज है कि ई वन है? आपको पता है ना कि ईएमएफ का मतलब अगर बैटरी का एक्चुअल अगर वोल्टेज कैलकुलेट किया जाए बिना कहीं कहीं से वोल्टेज का लूज हुए तो क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। और अगर वोल्टेज कहीं से ड्रॉप हो तो क्या कहलाता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, वी कहलाता है। तो मैं इसको अब क्या लिखूंगा? वी लिखूंगा, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, सर्किट यहां से भी करंट जा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। कहां से वोल्टेज ड्रॉप होगा? थ्रू आर। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि E बाई वी इज इक्वल टू रो एल वन अपॉन रो एल टू? ये और ये क्या होंगे? कट जाएंगे। ठीक है, सो हम यहां पर रखेंगे कि E बाई वी इज इक्वल टू क्या होता है? एल वन अपॉन एल टू। इस बात को हम रख लेते हैं, हमको जरूरत पड़ेगी। मुझे बताइए, आपको ये रिलेशन पता है कि E इज इक्वल टू होता है I इंटू आर प्लस आर? इंटरनल रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया था। अच्छा, अगर ये आपको पता है तो क्या आप ये बोल सकते हो कि I इंटू आर का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन I इंटू आर जो होता है वो V होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है? ठीक है, क्या हम V को अच्छा I को क्या मैं V बाई आर लिख सकता हूं? लिख सकते हैं क्या? यहां से V कॉमन ले सकते हो? ले सकते हैं क्या? यहां पे E बाई वी इज इक्वल टू आर बाई आर प्लस वन लिख सकते हो? और E बाई वी आप अपने बताया था मुझे क्या होता है? L1 अपॉन L2 होता है ना? यहां पे लिख रहा है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R बाई आर प्लस वन। और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो आप बोलोगे R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस वन। और लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे आप? This implies कि R is equal to R into L1 upon L2 minus 1। तो बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस यहां से आपने कैलकुलेट कर लिया कि नहीं? कर लिया। सो हमने यहां पे इसके एप्लीकेशन भी देख लिए। ओके, अब आप जो भी बुक यूज करते हो वहां से आप एक बार इसको रीड आउट कर लो, बाकी डेरिवेशन आप यहां से समझ चुके हो।